गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं जा रही थी थोड़ी बहुत ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, सो आई थॉट आई विल टेक यू अलोंग ताकि आप सब भी देख पाओ कि कौन कौन से स्टोर्स होते हैं, कहाँ कहाँ से हम अपनी ग्रोसरी शॉपिंग कर सकते हैं। सो या लेट्स गो। ओके, तो जो मेन पर्पस इस वीडियो का है वो ये है कि मैं आपको यहाँ पे थोड़े बहुत स्टोर्स बता पाऊँ जहाँ पे आप जाके ग्रोसरी शॉपिंग कर सकते हो अपनी रेगुलर। तो अभी मैं अपने घर से निकली हूँ एंड अब रास्ते में जो भी स्टोर्स आएंगे हम वो देख लेंगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टोर, स्पार। ये मेरे घर से सबसे पास है एंड यहाँ पे आपको बेसिक सारा सामान मिल जाएगा। सो मैं एक बार आपको अंदर जाके थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। तो आपको ना यहाँ पे ये ब्रेड्स ये मिल जाएगी एंड मतलब बहुत डिफरेंट तरीके की ब्रेड्स होती हैं। तो ये पूरा रैक ब्रेड्स का है। यहाँ पे अगर आपको बेसिक चाहिए तो चीज़ें मिल जाएंगी। देन ये बिस्किट्स भी हैं। बाकी ये सारा क्लीनिंग वगैरह का भी यहाँ मिल जाता है। मतलब ये स्टोर मेरे घर से 2 मिनट के डिस्टेंस पे ही है। सो यहाँ पे सारा क्लीनिंग का एंड देन ऑल द शैम्पूज, हैंड वॉशेज, सब कुछ स्टोर में ईजीली अवेलेबल है। फेरी भी है। ओके, हमारे पास वैसलीन भी है, पेट्रोलियम जेली फॉर 2 यूरोज। सो वी हैव वनीला एसेंस 2.95 यूरोज। और यहाँ पे नॉर्ड के सारे सूप्स भी हैं 1.55 यूरोज। और क्या है, ये नूडल्स हैं और ये सब है, कोकोनट मिल्क है, ये सारी सॉसेस हैं और बेसिक फ्रूट्स वगैरह भी हैं, एप्पल, ग्रीन एप्पल और ऑरेंजेस, मस्क मेलन, गाला मेलन कहते हैं शायद इसे, नहीं येलो मेलन। वेजीज भी हैं, दिस इज बीन्स 2 for 3 यूरोज, मतलब 2 packets 3 यूरोज के होंगे, विच इज़ रफली अराउंड 250। कैरेट्स भी हैं, मशरूम्स, ये सारा फ्रोजन फूड है, फ्राइज या चिकन का ये सब सामान होगा यहाँ पे। और ये मेरा फेवरेट आइसक्रीम्स। सो यार दैट्स डन। ये पहला स्टोर था जो मेरे घर से सबसे पास है एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ ही मिल रहा था, वेजिटेबल्स, मिल्क या सॉसेस, तो मतलब काफ़ी सारा सामान था जो वहाँ पे मिल रहा था। सो बहुत इजीली एक्सेसिबल भी था। अब मैं और भी स्टोर्स चेक करती हूँ और मतलब जो विद इन 2 किलोमीटर्स के रेडियस में, हम वो सारे स्टोर्स भी देखते हैं एंड कौन सा स्टोर में क्या मिलता है, कैसा रहता है। सो दैट्स बेसिकली द रेड लाइट and I will press this, sorry, this I'll press this and it's green। तो अब चाहे कुछ भी आ रहा हो मैं जा सकती हूँ। सो आई ऑलवेज लव्ड ब्लॉगिंग एंड अभी इतने दिनों से मैं एकदम गायब हो गई थी क्योंकि कॉलेज का इतना सारा काम, ऊपर से फिर ऑफिस, तो दोनों चीज़ें हैंडल करना मतलब बहुत ज़्यादा टफ हो रहा था। ओ एक ये शॉप भी है, तो यहाँ पे मोस्टली सारा ऑर्गेनिक सामान मिलता है, तो ये थोड़ी एक्सपेंसिव साइड पर रहती है क्योंकि इसके ऑरेंजेस या जो भी सब्जियां वगैरह हैं वो सब ऑर्गेनिक बोलते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है। सो अभी मैं वॉक करके थोड़ा और आगे जाऊंगी, तो वहाँ पे 2-3 स्टोर्स और हैं, तो मैंने सोचा हम वो भी देख लेते हैं सारे एंड मुझे थोड़ा बहुत सामान लेना है तो वो भी ले लेंगे। ये घर के पास ही ये ब्यूटीफुल सा चर्च भी है जो मुझे हमेशा दिखता है आते जाते। ये एक बस स्टॉप है। सो यहाँ के बस स्टॉप यूजुअली कैसे होते हैं, बस स्टॉप ऊपर नंबर लिखा होगा, मैं जूम करके दिखाती हूँ, दैट्स द बस स्टॉप नंबर। और इसके यहाँ पे जो जो बसेस आती हैं, बस रूट्स होते हैं, वो मेंशन होंगे, क्योंकि अगर आप ये सब ऑनलाइन चेक करोगे ना, जैसे हम रूट वगैरह देखते हैं तो मैप्स पे बस स्टॉप नंबर्स लिखे होते हैं, तो उसको एक्सेस करना ईजी रहता है, इसलिए ये बस स्टॉप नंबर इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ ना यूजुअली गर्मी है, सो यू कैन सी कितना ब्राइट सनी डे है, बट एक्चुअली ये डे नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट रात के 8 बज रहे हैं एंड दिस इज़ अ सिनेरियो। ये सिर्फ समर्स में ही होता है, विंटर्स में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सो यहाँ ना ये चीज़ बहुत सही है, यूजुअली ना सिर्फ एक लाइन फॉर्म होती है, मतलब जैसे ये 2 रोड हैं इधर और इधर, तो इधर सारी जाने वाली गाड़ियाँ हैं तो सब स्ट्रेट एक लाइन में होंगी,
बहुत, बट सबने प्रॉपर डिस्टेंस दिया हुआ है गाड़ी के बीच में, एंड अभी ग्रीन होगी तो कोई एक दूसरे को हॉर्न भी नहीं बजाएगा, सब चले जाएंगे आराम से। हमें फिर से रेड लाइट मिली है एंड दिस इज द ऑप्शन अगेन, दिस वो रेड है अभी, जब वो ग्रीन होगी तो हम जा सकते हैं। वो गार्डा कार है, मतलब पुलिस की कार, यहाँ की पुलिस को हम गार्डा कहते हैं। तो यहाँ पे 2-2.5 किलोमीटर चलना बहुत बहुत ही कॉमन बात है, इट्स नॉट ह्यूज, बट ऑफकोर्स हम अगर इंडिया से आते हैं तो हम 2-2.5 किलोमीटर कभी चलते नहीं हैं, बट यहाँ यूजुअली इट्स वेरी कॉमन। तो मतलब पहले मुझे भी सुनकर काफ़ी अजीब लगता था, इनफैक्ट पहले चलना भी काफ़ी इतना टफ होता था, बट अभी धीरे धीरे आदत हो गई है। मेरे लेफ्ट में है मैकडॉनल्ड्स एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छी पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, तो यूजुअली जो स्टूडेंट्स हैं वो मैकडॉनल्ड्स या बर्गर किंग या जैसे अभी मैं स्टोर जा रही हूँ वहाँ पे पार्ट टाइम करते हैं, क्योंकि वहाँ इजीली मिल भी जाती है। तो मुझे कुछ बेसिक चीज़ें लेनी है, जैसे मुझे कर्ड लेनी है, मिल्क लेना है और ग्रीन चिलीज़, क्योंकि अभी इतने की रिक्वायरमेंट है, बाकी पड़ा है मेरे पास, तो बस अभी ये तीन चीज़ें हमें लेके आनी है। ये रहा बर्गर किंग, सो यहाँ पे भी पार्ट टाइम काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। सो अब हमें जाना है उधर, रोड क्रॉस करनी है, तो चलो चलें। दिस वेयर वी आर गोइंग, सुपर वैल्यू, यहाँ जाके सामान देखते हैं। यहाँ शायद कुछ फ़ोन की शॉप है, मैंने कभी नहीं देखी। ये पहले मुझे लगता था रियल डॉग्स हैं, बट ये रियल हैं। सो दिस इज हाउ वी एंटर। तो यहाँ पे सारे ये कॉर्नफ्लेक्स, चॉकोस, ये सब मिलते हैं स्पेशल के, दैट्स द प्राइस, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सी पैन आपको यहाँ मिल जाएगा, तो अगर आपको पैन लाने में प्रॉब्लम हो रही है, इट्स हियर, इट्स 14 यूरोज, 16 का भी है, 18 का भी है, सो डिफरेंट वेराइटीज़ तो है। एंड देन यू गेट ऑल दीज कर्चीज, तो ये नहीं लानी है तो यहाँ पे है, और पीलर है, ग्रेटर है, एंड ये बेलन है। सो ये यूजुअली एक ऐसा स्टोर है जिसपे आपको ऑलमोस्ट सारा सामान मिल जाएगा। यहाँ गाने बज रहे हैं, कॉफी राइट आएगा। सो दिस इज़ वेर यूल गेट ऑल द स्टेशनरीज, छोटे पैड्स हैं, नोट पैड्स हैं, एंड देन पेन्स हैं, टेप है, यहाँ पे भी टेप है, ये है पेन, सो स्टेपलर है, सो आपको यहाँ सब मिल जाएगा स्टेशनरी में, एंड इट्स नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल। यहाँ मिल्क की इतनी वैरायटी होती है, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, इतने सारे मिल्क के ऑप्शंस हैं, तो आप सारे ट्राई कर लो आराम से। कोकोनट मिल्क है, बटर मिल्क है, प्रोटीन मिल्क है, फ्रेश एंड लाइट मिल्क है, सो मिल्क के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सिमिलरली बटर, बटर के इतने सारे ऑप्शंस हैं। ये रहे सारे शैम्पूस, सो लॉरियल यहाँ पे मिल जाता है, और मैंने ट्रेसम में भी देखा था बट अभी मुझे दिख नहीं रहा है, ये रहा, सो ट्रेसम में भी है, और पैंटीन मिल जाता है, हेयर कलर ऑप्शंस हैं, तो शैम्पूस वगैरह मिल जाते हैं, हेड एंड शोल्डर्स हैं यहाँ पे, तो इनमें से आपको, इनमें से अगर आप कोई भी शैम्पू यूज़ करते हो तो यू विल गेट इट हियर। क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश, गार्नियर का क्लेंजिंग, हैंड क्रीम्स हैं, डिटॉल का हैंड वॉश है, नॉनवेज वालों के लिए नॉनवेज सामान है, मुझे इसकी 0.0% कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो खुद देख लो और खुद समझ लो। यहाँ पे ऐसे रेडीमेड बर्थडे केक्स भी मिल जाते हैं, और तो सारे ही बहुत यम्मी लग रहे हैं। स्टोर था सुपर वैल्यू, तो यहाँ पे भी बेसिक सामान मिलता है, बट यहाँ के अनियंस, फ्रूट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, तो यूजुअली कुछ स्टोर का आपको कुछ पसंद आएगा और किसी स्टोर का कुछ,
तो वो आप अपने चॉइसेस और प्रेफरेंसेस के हिसाब से जब आप आ जाओ सब ट्राई कर लो, उसके बाद देख सकते हो। सो वर्स्ट पार्ट इसके अभी सारे शॉपिंग स्टोर्स बंद हो गए हैं क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट 8, तो सब बंद हो जाता है, बट फ्रूट वेजिटेबल्स ये सब रहता है, तो यही दिखा देती हूँ अभी आपको। मुझसे काफ़ी गर्ल्स पूछती हैं कि ये सब पार्लर वाला काम कितने का होता है, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड प्राइजेस आप आराम से देख सकते हो, मतलब ये मेरे घर के पास है तो या ये रहा। इनफैक्ट बॉयज़ भी देख सकते हैं इसमें, दोनों का होगा शायद। तो यहाँ पे काफ़ी इंडियंस हैं, मतलब पहले मुझे इतने नहीं दिखते थे बट अब मुझे यहाँ पे इंडियंस दिख जाते हैं। एक ये स्टोर भी है डील्स, तो वो जैसे हमारे वहाँ पे एक 99 स्टोर होता है वैसे ये है, तो यहाँ पे यूजुअली चीज़ें सेल में होती हैं। सब जगह इतने गाने चल रहे हैं ना। ओके, तो ये वाला जो सारा सामान है ये आपको सब जगह मिलेगा बट डील्स में आपको सबसे सस्ता या अच्छे डिस्काउंट्स पे मिलेगा। यहाँ पे आपको सॉक्सेस भी मिल जाती हैं एंड टॉवल्स भी हैं और डोरमैट है, देन दिस डेकोरेशन और कप्स हैं, ये कुकिंग के लिए मतलब बेकरी का सामान है थोड़ा। ये स्टोरेज बॉक्सेस मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, सो डिफरेंट शेप साइजेस में। यहाँ पे वूल है, मुझे ये काफ़ी अच्छी लगती है बट मुझे ये करना नहीं आता है, सो जिसको आता है उसके लिए अच्छा है, यहाँ पे ये सब भी मिलता है। सो दिस इज़ द लास्ट स्टॉप फॉर टुडे, टेस्को, एंड ये मैं आपको ऑलरेडी दिखा भी चुकी हूँ वैसे, तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख सकते हो। सो ये बहुत बड़ा स्टोर है, आइट सो टेस्को में आपको ये चीज़ें बहुत सही मिलती हैं, मतलब ये ना फ्रेशली कट वेजिटेबल्स हैं, एनी 3 for 2, विच मीन्स आप कोई भी 3 उठा लो और 2 का प्राइस पे करो, और ये सारी फ्रेशली चॉप्ड होती हैं, तो इसमें आपको ब्रोकली मिल जाती है, कैरेट्स हैं, देन ये मिक्स वाली है, मिक्स वेजीज, ये भी है फजाता मिक्स, ये मैंने खाया है काफ़ी अच्छा है, देन ये नॉर्मल वेजिटेबल्स, ब्रोकली और कॉलीफ्लावर कटे हुए होते हैं, वो अच्छे ऑप्शन हैं। देन यहाँ पर और भी सब्ज़ियाँ मिलती हैं, गोभी है, ये देखो कलरफुल येलो गोभी, और ये ब्रोकलीज हैं, फिर स्पिनच, पालक है यहाँ पे, इट इज़ फॉर टेस्को स्पिनच, ये रहा प्राइस। फिर उसके बाद कैरेट है, ये सारे पोटैटोज़ हैं, ये रहे मतलब डिफरेंट टाइप के होंगे, ये है आयरिश वाइट पोटैटोज, ये है मैरिस पाइपर पोटैटोज, फिर उसके बाद ये है आयरिश रूस्टर पोटैटोज, तो काफ़ी अलग वैरायटी है पोटैटोज में, और ये बड़ा पैकेज। अब मुझे देखना है चिलीज आई हैं क्या, तो यहाँ पे धनिया पुदीना ना ऐसे पौधों में मिलता है, और ये इतने का है। गार्लिक प्यूरी मिल जाती है इजीली, इजी टू यूज़, पर मुझको चिलीज नहीं दिख रही हैं, आई थिंक ये री मिल गई, ये ठीक लग रही है, ये चिली ले लेते हैं। यहाँ पे भी चिकन का बहुत सारा सामान है, मतलब ये रहा चिकन, मुझे कुछ नहीं पता क्या क्या है, ऐसे दिख लो। तो यहाँ पर भी मिल्क है बट मैं यहाँ से नहीं लूँगी, तो यहाँ पे भी मिल्क था बट मैं यहाँ से नहीं लूँगी क्योंकि बहुत दूर चलना पड़ जाएगा, तो जो हमने सबसे पहला स्टोर देखा था स्पार, हम वहाँ से लेंगे क्योंकि वो सबसे पास है और इतना हैवी कैरी भी नहीं करना पड़ेगा। मुझे घी देखना था, घी आया है यहाँ, तो यहाँ घी फिर से नहीं आया है, सो नो घी। स्वीट्स में तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, मतलब बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं, मिल्की बार का मूस है और ये मिक्सचर है, ये जूस का सेक्शन है, तो दिस इज़ द कोकोनट वाटर, मैंने ट्राई कर रखा है सो टेस्ट वैसा ही करता है, सो इट्स गुड।
हमें लेनी थी कर्ड, हमें कर्ड लेनी है, तो हम लेंगे लो फैट नेचुरल योगर्ट, ये लेंगे हम, ठीक है। मैं बास्केट लेना भूल गई, मुझे हाथ में कैरी करना पड़ रहा है, सो अब बस मिल्क बचा है वो हम वहाँ से ले लेंगे। यहाँ पे भी स्टेशनरी वगैरह मिलने लग गई है, पहले नहीं मिलती थी, सो या हियर इट इज। सो दिस इज अ लिटिल कपड़ों का सेक्शन, जो मैं जब भी ग्रोसरीज के लिए आती हूँ तो मैं ये ज़रूर चेक कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे मज़ा आता है। Let's have a quick look. Okay, so जैसे मैं बास्केट लेना भूल गई हूँ, this is my OOTD. यहाँ पे प्रिंगल्स के इतने सारे फ्लेवर मिलते हैं, this ऐसे रेनबो कलर्स में, any 2 for 4 प्राइस है, मतलब टेस्को में तो काफ़ी कुछ मिलता है। मैंने कपड़े देख लिए बट नहीं ले रही हूँ, तो मैंने ऑलमोस्ट सारा सामान ले लिया जो मुझे लेना था, एंड इतने सारे स्टोर्स पे तो एक गाने बज रहे थे ना, तो मैं रिकॉर्ड भी ढंग से नहीं कर पा रही थी, तो अभी मुझे बेसिक यही चीज़ें चाहिए थी, ये मैंने ले लिया है, दूध हम वहाँ से ले लेंगे। सो या इसके अंदर मेरा एक छोटा सा बैग है, उसमें हम सारा सामान रख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बैग्स की कॉस्ट भी होती है, तो अराउंड 78 rupees पड़ता है, तो एक बार ले लो अच्छे से एंड देन उसे प्रिजर्व करके रखो लाइक दिस, ताकि हर बार ना खरीदना पड़े। सो या दिस इज़ वन मोर टिप फॉर यू ऑल, अब इसको बिलिंग कराते हैं और चलते हैं यहाँ से। आप यहाँ पे बिलिंग करवा भी सकते हो और ख़ुद से भी कर सकते हो, तो मैं अभी खुद से कर लेती हूँ, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमें आइटम स्कैन करने को बोल रहा है, तो इसका स्कैनर यहाँ है, स्कैन किया, नीचे रखा, दोनों स्कैन कर दिया, फिर इसको स्कैन योर क्लब कार्ड टू अ क्लब कार्ड पॉइंट। मैंने अपनी शॉपिंग कर ली है, ये रहा मेरा बैग टेस्को का जिसमें मैंने सामान रख लिया है, इजी टू होता है कैरी, सो आई केप्ट इट हियर। हील्स बंद हो गया, सही टाइम पे आप सबको दिखा दिया, चलते हैं अब घर जाना है, खाना तो मैं बना के आई हूँ, बस अब आराम से खाना खाऊंगी। तो मैं कोई एक स्पेसिफिक बेस्ट स्टोर नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी कोई एक स्टोर से कोई एक सामान पसंद आता है, दूसरे स्टोर से दूसरा, तो सारे स्टोर्स का मिक्सचर ही है, तो सारे स्टोर्स अच्छे हैं, आपके प्रेफरेंसेस पर डिपेंड करता है। सो कम बैक अगेन फॉर माय मिल्क, हियर इट इज। So yeah, I am like almost done for today's shopping. मतलब आज का सारा main shopping मैंने कर ली है, then I'm all done. So yeah, I think that's all for today's video. So अगर आपने video अभी तक देखी है तो do comment below and don't forget to like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. I'll see you in my next videos super soon. Bye.